हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एएलपी आके चैनल में। आज अपन बात करने वाले थे आईटीआई टीओ के सिलेबस के बारे में, वेरियस रिगार्डिंग जो जो ट्रेड चलती हैं उस एग्ज़ाम के लिए, उसके थ्रू अपन बात करना चाहेंगे। आज अपन सबसे पहले बात करते हैं डीजल मैकेनिक से रिलेटेड बात करेंगे अपन। ये जो सिलेबस है ये मैंने पीईबी की साइट से निकाला है, और इसमें मेनली पहले मैं बात करना चाहूँगा मैकेनिकल डीजल के बारे में। ये मैकेनिकल डीजल का सिलेबस है, तो अपन को इस सिलेबस के थ्रू पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये सिलेबस अपन को बीटेक या डिप्लोमा में कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो डीजल मैकेनिक का अपना सिलेबस है, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है इस एग्ज़ाम के लिए, आईटीआई के लिए। और इसमें अपन ने ऐसे लास्ट वीडियो में बात की थी, 25 नंबर का नॉन टेक रहता है और 75 नंबर का टेक्निकल रहता है। तो जो कि 75 नंबर का टेक्निकल है, उसमें एक एक नंबर के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, वो भी इस ट्रेड से रिलेटेड। अब जैसे ये है मैकेनिक डीजल, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? ये जो आईटीआई का सिलेबस है, जो आईटीआई टीओ का सिलेबस है, वो सेम है आईटीआई जैसा। तो जो अपन आईटीआई करते हैं वही सिलेबस इसके लिए मान्य रहता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, जैसे ये जो कोर्स होता है आईटीआई का मैकेनिकल डीजल का, वो 1 साल का होता है, यानी 2 सेमेस्टर, 6 6 मंथ के 2 सेमेस्टर। तो जो जो अपन को पढ़ना है वही चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसका पहले इंट्रोडक्शन, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, हैंड पावर एंड टूल्स, इसमें मार्किंग टूल्स आ जाते हैं, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह और बहुत सी चीज़, गेज वगैरह। और इसमें आता है सिस्टम एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें फास्टनर्स जैसे हो गया अपना, नट्स बोल्ट्स, लॉक, वाशर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे गैस्केट, सील्स और कटिंग टूल्स अलग से हैं। कटिंग टूल्स अपन जैसे पढ़े ही हुए हैं, हैक्सॉ हो गया, और ग्रेडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं अपन वेरियस टाइप से, लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस भी है। तो अपन देख रहे हैं अधिकतर पोर्शन जो अपना वर्कशॉप इंजन प्रोडक्शन का होता है वही सिमिलर है। तो जैसे ड्रिलिंग मशीन, टैप्स एंड डाइस, सीट मेटल, हाँ यहाँ तक वही है। ये अपन को है, एक आता है यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपन बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वही चीज़ है ये सब। इसमें अपन को ओम्स लॉ वगैरह, ये सिंपल सिंपल जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं वही है। और अपना आगे आ जाओ तो अपन ये पढ़ते हैं वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट, मैकेनिकल में बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स भी है, मतलब FM का स्टार्टिंग का, पास पास्कल लॉ, प्रेशर, फोर्स, विस्कोसिटी, ये सब वगैरह। तो ये हो जाता है शुरू के 6 मंथ का सिलेबस। और आगे 6 मंथ में सिर्फ आईसी इंजन मेनली फोकस करके रखा गया है इन लोग ने, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है इसका, आईसी इंजन। आईसी इंजन में देखा जाए तो मेनली SICI इंजन, इंजन के पार्ट्स हो गए, वेरियस कंपोनेंट्स, वाल्व्स, वाल्व स्ट्रेंस, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, सिलेंडर ब्लॉक, इंजन असेंबली, कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम, इनटेक एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट उनके कंपोनेंट वगैरह, ये सब भी आता है पूरा। उसका फ्यूल सिस्टम और जो भी है अब का इमिशन कंट्रोल, अभी आजकल जैसे BS4 BS6 चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो अपना जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मेनली आईसी इंजन पूरा कवर किया हुआ है। तो अपन देखते हैं कि अपन को ये चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़नी है। इसके लिए मैंने एक चीज़ बताई रखी है, ठीक है ना। अभी अपन ने जैसे ये देखा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके लिए मैं आपको लिए एक PDF अवेलेबल कराऊंगा। ये PDF खुद आईटीआई के लिए दी गई है, इसमें सारी चीज़ दी गई हैं, जैसे कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फायर वर्क्स होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाली फाइल है, ये फाइल देखिए आप, इसमें साफ साफ दिया गया है सेफ्टी से रिलेटेड अपन क्या क्या करना चाहिए। और इसको आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार, रीडिंग मानना है। और इसमें वेरियस चिन्ह हैं दिए गए हैं, वेरियस वाले, कि किसका क्या मतलब होता है, सेफ्टी साइन का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको, हम मैं PDF इसके लिंक सिर्फ उसमें डाल दूंगा लास्ट में, तो आप पढ़ लेना। इसमें देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, कौन सी आग से कौन सी चीज़ बुझाना पड़ती है, फॉर्म टेज, बहुत सी टाइप्स हैं। और ये क्लास फायर है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, जैसा आपने रेलवे में पढ़ा होगा, उसमें एग्ज़ाम में था, इसके सिलेबस में ये था। तो अपन ने ये बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ ही लेंगे, और PDF इसके लिए मैंने अवेलेबल करा दूंगा ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। बाकी पढ़ता है हैंड पावर टूल, फास्टनर, कटिंग टूल्स, लिमिट्स और ये
ड्रिलिंग मशीन, सीट मेटल, इसके लिए आपको प्रोडक्शन से पढ़ना है, जो कि अपने बीटेक में पढ़ते हैं वर्कशॉप इंजीनियरिंग में। मेटलर्जी हो गया, मेटल कटिंग, वेल्डिंग, मशीन टूल, सीट मेटल ऑपरेशन, मशीन एंड मेजरमेंट, ये सब आ जाएगा आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हैंड पावर टूल्स वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा मैंने बताया बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में अपन पढ़ते हैं, BEE नाम से सब्जेक्ट रहता है एक, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं तो वेल्डिंग प्रोसेस और हीट ट्रीटमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग में अपन को पूरा मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये अपन को FM का बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और अपन आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ आई इंजन, ये पूरा अपन को IC इंजन पढ़ना है, CISI इंजन, पेट्रोल डीजल, उनके कंपोनेंट, पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये सब, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, मिशन कंट्रोल, ये सब अपन को पूरा पढ़ना है। तो मेनली अपन को IC इंजन बहुत अच्छे से करना है, साथ ही साथ अपन को करना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी आप कास्टिंग छोड़ सकते हैं, बाकी मेटलर्जी और मेटल ये सब अपन को अच्छे से पूरा कर लेना है, ठीक है ना। और साथ में मैं इसके लिए ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी के लिए PDF अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। तो उससे आपका इसका डीजल मैकेनिक का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ALP आकिब। थैंक यू।